हारूनाबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ खालिद सहर के मुताबिक मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर खसूसी गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हुकूमत के पास अराकीन की तादाद पूरी है, पंजाब हुकूमत बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। एजाजुल हक, मौजूदा पंजाब की सूरत हाल और मुल्क की सूरत हाल पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पंजाब में गवर्नर के पास इख्तियार तो ज़रूर है, लेकिन आईन के मुताबिक उसने डी नोटिफाई नहीं किया और आईन के मुताबिक जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहा। एतमाद का वोट लेने के लिए पैरामीटर्स होते हैं कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठी है या हुकूमत कोई ऐसा गैर आइनी काम कर रही है। तो पंजाब की हुकूमत तो फर्स्ट क्लास चल रही है, 190 लोग थे उनके पास, कोई ऐलान नहीं करके गया कि हम इस पार्टी को छोड़ रहे हैं, हम तंग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों की जो तवज्जो है उसको हटाने के लिए, जो मुल्की मसाइल हैं, मुल्की मईशत के मसाइल हैं, बैन अल-अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान की आइसोलेशन है, यानी एक बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया पाकिस्तान को, तो उससे